हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स और टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए, आज हमारे पास क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर ₹5,000 फॉर 2 ईयर्स इज ₹72। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन में हमें, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट यानी कि CI - SI विच इज इक्वल टू 72। प्रिंसिपल है 5000, रेट हमें फाइंड करना है और टाइम हमें दिया हुआ है 2 ईयर्स। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें CI और SI की वैल्यू फाइंड करनी होगी, उसके बाद हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो चलिए फाइंड कर लेते हैं CI। तो CI के लिए हमारे पास फॉर्मूला है CI इक्वल्स टू P 1 + R/100 n-1। ये हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्ट CI फाइंड करने के लिए। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। P कितना है, 5000, यहाँ पर आ गया 1 प्लस R कितना है हमारे पास, हमें फाइंड करना है, अपॉन 100 टू दी पावर n, n कितना है 2 ईयर्स और -1। यहाँ से हमें कैलकुलेट करना होगा CI। चलिए आगे करते हैं इसको। तो ये आ गया 5000। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है अंदर, तो देखिए हम इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पर A + B का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। तो क्या बन जाता है, देखिए A² + B² + 2AB यानी कि 2 × 1 × R/100। यहाँ तक समझ में आया, और ये आ गया एक हमारा यहाँ पर -1। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि हम इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते थे, तो हमने A + B का होल स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पर अप्लाई की, तो ये हमारा आ गया A² + B² + 2AB और ये -1 हमारा ये वाला। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए 5000 भाई 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस R का स्क्वायर कितना होगा R², 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ गया R/50 और -1। देखिए +1 से -1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये बचा, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 5000 और यहाँ पर है हमारे पास, देखिए इसको अगर हम LCM करेंगे तो LCM कितना आएगा 10,000, यहाँ पर रहा R² प्लस इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 200, तो 200 × R कितना हो गया 200 R। सिंपल फ्रैक्शन की तरह बस आपको इसको सॉल्व करना है। आगे चलते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 5000 × R² + 200 R/10,000। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बचा हमारे पास CI = R² + 200 R/2। ये आ गई हमारे पास CI की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, अब हमें SI की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो फाइंड कर लेते हैं SI की वैल्यू। तो देखिए SI का फॉर्मूला है हमारे पास SI = P × R/T/100। वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर, P है हमारे पास 5000, R हमें फाइंड करना है और T गिवन है 2 ईयर्स अपॉन 100। तो SI कितना आ गया, SI आया हमारे पास 100 R। तो ये तो आ गई हमारे पास SI की वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन था कि CI - SI = 72। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर CI और SI की वैल्यू पुट कर देंगे और अपनी इक्वेशन फॉर्म करके उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। तो देखिए CI की वैल्यू हमारे पास आई थी R² + 200 R/2 और SI आया हमारा -100 R = 72।
टू, ये आ गई हमारी इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम आएगा टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस 200R माइनस, भाई यहाँ पर कितना है नीचे 1, तो 2 वन ज़ा 2 और 2 इंटू 100 कितना हो गया 200R इक्वल्स टू 72। ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना बचा हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल्स टू 72 इंटू 2, ये वाला 2 इसके पास चलाएगा ऊपर, देखिए कितना आया आर स्क्वायर इक्वल्स टू 144। हमें तो R फाइंड करना है, तो R इक्वल्स टू 144 का स्क्वायर रूट, तो 144 का रूट कितना होता है R इक्वल्स टू 12, तो रेट कितना आ गया हमारे पास 12%। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, चलिए ट्राई करते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स इन विच अ सम ऑफ मनी पुट आउट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल्ड इज। तो क्या फाइंड करना है हमें, टी फाइंड करना है, टी को कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में हम क्या कहते हैं एन, तो यानी कि हमें एन फाइंड करना है जिसमें कोई हमारा प्रिंसिपल, सम ऑफ मनी का क्या मतलब है प्रिंसिपल, वो डबल हो जाए, तो डबल होकर क्या बन जाएगा अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2p, भाई स्टार्टिंग में जितना था उसका डबल और होगा क्या वो अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 2p, और इंटरेस्ट का रेट कितना है, रेट है हमारे पास 20%। ये हमारे पास डेटा गिवन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अमाउंट का फॉर्मूला है हमारे पास a इक्वल्स टू p 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। अब देखिए क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा, मोर देन डबल, तो हम क्या करेंगे, देखिए a कितना है हमारा 2p, और यहां पर इक्वल्स की जगह मोर देन का साइन आप लगा देंगे, बाकी क्वेश्चन सेम होगा, बस इक्वल्स की जगह मोर देन का साइन यहां पर आ जाएगा। पी कितना है हमारा, पी 1 प्लस 20/100 टू द पावर एन, इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए ये हो गया हमारा 2p अपॉन पी इज लेस देन 120/100 टू द पावर एन, तो यह हमारे पास आ गया 2 इज लेस देन 1.2 टू द पावर एन। यहां तक तो क्वेश्चन हमने सिंपल सॉल्व कर लिया। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि एन की वैल्यू कितनी हो जो ये नंबर 2 से बड़ा हो जाए। तो देखिए अगर हम एन की जगह 1 पुट कर दें तो कितना होगा, 2 इज लेस देन 1.2 टू द पावर 1, तो 1.2 की पावर अगर 1 हो तो कितना रहेगा, 2 इज लेस देन 1.2, तो अभी तो हमारा आंसर नहीं आया, हमें क्या करना है इधर वाले नंबर को 2 से बड़ा करना है, तो अभी तो ये छोटा है, चलिए दोबारा ट्राई करते हैं। 2 इज लेस देन 1.2 टू द पावर 2, तो 1.2 की पावर अगर 2 कर दिया है तो कितना आएगा 1.44, तो अभी भी ये नंबर हमारा 2 से छोटा है, हमें इसको 2 से बड़ा करना है। चलिए फिर से ट्राई करेंगे, देखिए 1.2 टू द पावर 3, तो देखिए आप कितना आएगा, 2 इज लेस देन 1.728, तो अभी भी ये नंबर हमारा 2 से छोटा है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। एक बार और ट्राई करते हैं, 2 इज लेस देन 1.2 टू द पावर 4, तो ये कितना आया, 2 इज लेस देन 2.0736। तो अब देखिए ये नंबर जो है हमारा 2 से बड़ा हो गया। तो देखिए n की वैल्यू मिनिमम कितनी हो जो हमारा नंबर 2 से बड़ा हो जाए, तो n की वैल्यू जो है वो 4 होनी चाहिए, तभी हमारा नंबर 2 से बड़ा हो पाएगा। तो हमारे नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ गए, 4 ईयर्स, तो टाइम कितना होगा 4 ईयर्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा,
तो आज हमने दो क्वेश्चंस किए, आई होप दोनों ही क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब आपको करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।